फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अनुपम पांडे। और फ्रेंड्स हमारे कमेंट सेक्शन पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें अपने घर में एसी लगवाना है तो उसका क्या कॉस्ट क्या होगा। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, गर्मी बढ़ गई है तो हमें एसी की ज़रूरत होने लगी है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि यदि आप अपने घर में एयर कंडीशनर इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। फ्रेंड्स गर्मी का सीजन, बढ़ती गर्मी, इसमें हमें रहना और जीना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए हमें एसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम डिटेल एनालिसिस करते हैं आज एसी के बारे में और एसी की कॉस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स जो एसी है तो एसी में दो तीन चीज़ें आपको देखनी होती है। इस समय जो मार्केट में एसी आ रहे हैं फ्रेंड्स, उनमें इन्वर्टर एसी लिखा हुआ मिलता है। तो एक मन में क्वेश्चन आता है कि ये नॉर्मल एसी और ये इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स जो नॉर्मल एसी होते हैं उनमें जो कंप्रेसर वाला पार्ट होता है वो चालू बंद होता रहता है, और बार बार चालू बंद होने से इसमें जो लाइट का या बिजली का कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता है, लाइट ज़्यादा कंज्यूम करता है। इसलिए आपका मीटर के थ्रू जो आपका बिल आएगा वो ज़्यादा आता है तुलना करें इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर लगातार चालू रहता है जिससे इसमें बार बार चालू बंद होने की घटना नहीं होती। तो जो इन्वर्टर एसी है वो कम बिजली यूज करता है नॉर्मल एसी की तुलना में। और फ्रेंड्स दूसरी चीज़ हमें देखनी होती है कि 5 स्टार 3 स्टार ये कौन सा लोचा है। तो फ्रेंड्स 5 स्टार और 3 स्टार में भी यही मेथड लगता है। जो 5 स्टार जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, तो उनमें बिजली की खपत कम होती है तुलना में 3 स्टार। अब हम जो बात कर रहे हैं आपसे फ्रेंड्स, वो 3 स्टार का 1.5 टन का एसी है, और इस एसी का कॉस्ट है फ्रेंड्स 32,990 रुपये। आप 32,990 रुपये दीजिए और इस एसी को अपने घर में लाइए। फ्रेंड्स इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो फ्री है। कुछ जगहों में क्या होता है कि या कुछ कंपनियों में होता है कि ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग से देती हैं, पर इसमें जो था तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट के फ्री था। और फ्रेंड्स साथ साथ में 1 ईयर की सर्विस भी फ्री थी। अब 1 ईयर की सर्विस फ्री होने से हमें क्या फ़ायदा है फ्रेंड्स? 1 ईयर की सर्विस फ्री होने से हमें फ़ायदा ये रहता है कि हमें यदि अपने एसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम समय समय पे जो इंजीनियर्स होता है उसको बुला के अपना एसी ठीक करा सकते हैं। आप समय समय पे बुलाते रहिए, नया लगवा रखे हैं, 1 साल की वारंटी है ही। आप बुलाइए कि भैया ये गड़बड़ है, भैया ये गड़बड़ है, कूलिंग नहीं आ रही, और इस तरह करके आप पूरी तरह से अपने पूरा 1 साल की वारंटी का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स शायद आपके मन में सारे डाउट दूर हो गए होंगे। यदि आपके पास या आपकी जेब में 32,990 रुपये है तो आप बेझिझक अपने घर में एसी लगवाइए और इस गर्मी से बचिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई चल रहा है और जीना मुश्किल हो रहा है, सोना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए घर में एसी लगाइए। और इसी तरह की और भी कोई